अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ वाइट शाही कोरमा। उसके लिए मैं यहाँ पे आधा किलो बोनलेस चिकन यूज़ कर रही हूँ, एक बड़े साइज़ की प्याज, एक प्याली बादाम, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर काली मिर्च, हाफ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर सफ़ेद मिर्च, एक प्याली फ्रेश मिल्क क्रीम, हाफ टी स्पून गरम मसाला, एक प्याली दही, हाफ कप कुकिंग ऑयल, रेड चिली सीड्स, सुरख मिर्च। सबसे पहले मैं पतीली में कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी, हाफ कप। इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, मीडियम फ्लेम। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूंगी। और अब मैं इसे फ्राई करूंगी। इसे हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि हमने ग्रेवी वाइट रखनी है, इसलिए मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। ये देखिए मैंने इसका कलर ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से भून लूंगी जब तक ये चिकन वाइट हो। चिकन को मैंने अच्छे से भून के वाइट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, काली मिर्च, सफेद मिर्च, गरम मसाला, सुरख मिर्च के बीज और नमक, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मसाले ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मैं पहले फ्राई मिक्स कर लूँगी ताकि मसाले ऐड करने के बाद मैंने इसे 5 मिनट के लिए भून लिया था। अब मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसका ढक्कन लगा के रख दूंगी। 10 मिनट के लिए मैंने इसे लो फ्लेम पे रखा था पकने के लिए। अब मैं इसके नीचे हाई फ्लेम कर दूंगी और इसे अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लूंगी। दो मिनट के लिए मैंने अच्छे से इसे तेज आंच पे भून लिया है। अब मैं इसके अंदर फ्रेश मिल्क क्रीम ऐड कर दूंगी। फ्रेश मिल्क मैंने इसके अंदर ऐड किया है, अब मैं इसे अच्छे से भून लूंगी। फ्रेश मिल्क क्रीम ऐड करने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर भून लिया है। अब मैं इसे नीचे लो फ्लेम करके इसका ढक्कन, फ्रेश मिल्क क्रीम ऐड करने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा भूना था और 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख दिया था। ये देखें ये बनके तैयार है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी और इसके ऊपर मैं बादाम ऐड करूंगी। इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं और इसका ढक्कन लगा के रख दूंगी। बादाम मैंने इसके अंदर ऐड किए थे, थोड़ी सी कसूरी सूखी मेथी भी मैं इसके अंदर ऐड करूंगी खुशबू के लिए। शाही कोरमे की रेसिपी बनके तैयार है। आप इसे ट्राई करें, आपको पसंद आएगी, और इसे अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और मज़ेदार वीडियो आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।